है एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों में बताने वाला हूँ पोको M3 में जो हमारा जो ऐप ड्रॉअर है इसमें हम बैकग्राउंड को कैसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का बैकग्राउंड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। सो यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड है फ्लावर। सो यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट करना है। सो पोको M3 में कैसे कर सकते हैं ये सिस्टम या फिर ये सेटिंग कैसे कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जो हमारा रियलिस्टिक लुक लगता है सो काफ़ी अच्छा लगता है। सो कैसे कर सकते हैं सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते गाइस। सो यहाँ पर 2 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाना है। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा होगा, सो आपको सबसे नीचे मोर के ऑप्शन पे चले जाना है। सो यहाँ पर आपको भी बहुत सारे ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा, डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, हाइड ऐप आइकॉन्स, इन ऐप सर्च, नोटिफिकेशन बटगेट्स, होम स्क्रीन, ऐप ड्रावर। सो सबसे ऊपर से आप देख सकते हैं पर्सनलाइजेशन में बैकग्राउंड्स का ऑप्शन आ रहा है। सो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप ड्रावर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी। सो ये जो 0% है वो आप 25% पे करो या 50% पे, 75% या फिर इस तरह 100%। 100% पे करने के बाद आप अप्लाई का ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद देख सकते हैं जो हमारा जो आप देख रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कर दिया है पूरा। सो पहले कुछ और लुक में था और अभी कुछ और में। सो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो बैकग्राउंड में जाते हैं, इसको 50% पे लेकर चलते हैं गाइस, 50%। सो देख सकते हैं ये हमारा 50% पे काफ़ी इस तरह का है। सो आई होप कि गाइस वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पोको M3 आपके पास अगर मोबाइल है तो इसमें ये बहुत बेहतरीन सेटिंग है। सो गाइस वीडियो पसंद आई होगा तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो ताकि वो लोग भी इस तरह का जो ऐप ड्रॉअर है उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर।